हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। आज हम लोग क्लास में स्टडी करेंगे PT 365, और जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास को सॉल्व करेंगे, जिसमें आप लोगों ने लगभग 3 से 4 लेक्चर इकोनॉमिक्स के कर लिए होंगे कंप्लीट। और आज की हम क्लास जो करेंगे वो हम करेंगे यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वैश्विक ट्रेड बैरियर जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन आज हम लोग पूरे 6 टॉपिक को जो है कि कंप्लीट करेंगे, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, वी डॉलराइजेशन होगा, रेमिटेंस होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी IMF, और साथ में 7th यूनिट को भी पूरा कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, वीडियो पर पहली बार आए हो या चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरीके के कंटेंट आपको यहां पे मिलते रहेंगे। और जल्दी ही मैं UPSC के टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको अपडेट देने वाला हूं। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज चल रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजों को शुरू कर रखा है, जिसमें मेंस की क्लासेस हैं। मैंने कहा था 2 क्लासेस लेकर आऊंगा, 1 से 2 दिन में उसे भी शुरू करूंगा। PT 365 को मैंने कहा था जल्दी कंप्लीट करूंगा, एनवायरमेंट भी शुरू करूंगा, तो वो भी सारी चीजें होंगी। तो नाराजगी आपकी जाहिर है, लेकिन मैं जल्दी ही उन नाराजगियों को दूर करने का पूरे प्रयत्न कर रहा हूं। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रेड जो बैरियर्स थे उनको पढ़ा था, और आज की इस क्लास को हम शुरू कर रहे हैं अपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं इन शॉर्ट WTO। और WTO की अगर हम क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या मामला था, ये क्यों सुर्खियों में था, चर्चा में क्यों था, तो इस पे बात करेंगे। तो अभी हाल ही में भारत ने WTO की जो अपीलीय निकाय है, यानी कि अपीलिएट जो बॉडी है, इसके मतलब इसमें विवाद निपटान निकाय का एक फैसला आया था, इसके खिलाफ अपील की है। क्यों फैसला आया और क्या फैसला था? उस फैसले में कहा गया कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी समझौता, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के तहत, अपनी शुल्क प्रशून्य यानी कि जीरो टैरिफ प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया। जबकि भारत कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के तहत मैंने इस तरीके का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है नियम का, यह गलत निर्णय दिया गया। तो इसके खिलाफ भारत ने WTO का जो अपीलिएट बॉडी है, जहां पर अपील की जाती है निर्णय के खिलाफ, वहां पर इसने अपनी एक अपील की है। लेकिन अब बात आती है कि अपील क्या की है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन यहां से जो स्टैटिक प्रश्न बनता है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत से कनेक्टेड है और क्यों ये चर्चा में रहता है, ये क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे काम करता है, तो वहां पर ये मामला होगा कि WTO में विवाद निपटाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं। यहां पर आप देखोगे 2 तरीके हो सकते हैं शिकायत दर्ज होने के बाद। पहला तो होता है पक्षकारों के बीच में, और दूसरा होता है अधिनिर्णय के माध्यम से। पक्षकार की बात करें तो विशेष रूप से जो 2 पक्षी होते हैं, जैसे मान लो कि भारत का मुद्दा अगर किसी देश के साथ है, रशिया के साथ, जर्मनी के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, पाकिस्तान के साथ, भूटान, किसी भी देश के साथ है, तो आपसी सहमति के आधार पर वो समाधान खोज सकते हैं। पहला तो ये होता है WTO में। तरीके 2 होते हैं। पहले तो WTO कहता है कि दोनों पक्षकार देश आपस में कोई समाधान खोज रहे हैं सहमति के माध्यम से, कुछ ऊपर नीचे देखकर। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो इसके बाद आप पैनल या अपीली निकाय की रिपोर्ट का कार्यान्वयन भी इसमें शामिल है कि अधिनिर्णयन के माध्यम से WTO भी जो निर्णय देगा आप उस पर काम कर सकते हो। लेकिन यहां पे देखते हैं कि WTO में विवाद का निपटान करने के लिए 3 प्रमुख चरण होते हैं। पहला चरण होता है पक्षकारों के बीच में विचार विमर्श किया जाता है कि अगर यहां पर देखा जाए कि अगर दोनों मामले में जो मतलब दोनों पक्षों में अगर परामर्श के माध्यम से मामले को हल करने में सक्षम नहीं है, तब तो WTO से अपील कर सकते हैं कि भाई विवाद निपटान पैनल एक गठित करो और हमारा जो है कि मामला निपटाओ। और अगर विवाद निपटान पैनल के द्वारा जो निर्णय दे दिया गया, तो आप इस निर्णय को भी चुनौती दे सकते हो, WTO के अपीली निकाय में चुनौती दी जा सकती है। और भारत भी इस समय यहीं पर खड़ा है, यानी भारत को जो निर्णय दिया गया था वो विवाद निपटान पैनल के माध्यम से दिया गया होगा, और उसके बाद भारत ने अपीलीय बॉडी में जो अपीली निकाय है उसमें चुनौती दी उस निर्णय को, ताकि WTO दोबारा रिव्यू करे। और निर्णयों का कार्यान्वयन होता है कि हारने वाला पक्षकार निर्णय को लागू करने में अगर विफल रहता है तो उसके खिलाफ WTO आगे कार्रवाई भी कर सकता है, किसी भी प्रकार की, चाहे वो बैरियर लगा दे, टैरिफ लगा दे, प्रशुल्क लगा दे, या उसके व्यापार को कम कर दे, ये सारी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो यहां तक तो मामला समझ में आ गया कि आखिर अल्टीमेटली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट से रिलेटेड जो मामला था, और भारत ने फिर क्यों अपीलिएट बॉडी में किस तरीके से किस स्टेप को फॉलो करते हुए निर्णय की गुहार लगाई है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है कि WTO के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाने वाला एकमात्र वैश्विक मंच है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो 2 देशों के बीच में होता है, बहुपक्षीय तरीके से होता है, द्विपक्षीय तरीके से होता है, उन व्यापारों को रेगुलेट कौन करेगा? अगर उसमें कोई धांधली हो रही है, उसमें कोई करप्शन हो रहा है, उसमें किसी भी देश की मनमानी चल रही है, तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, और यह व्यापार वार्ताओं को सुविधाजनक बनाता है, साथ में व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है कि जो भी देशों के बीच में व्यापार का कोई समझौता हो रहा है बहुपक्षीय द्विपक्षीय तरीके से, तो उसके इंप्लीमेंट को भी रेगुलेट करता है कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा है।
और इसी से जुड़ी संबंधित बात करेंगे कि WTO की स्थापना GATT को रिप्लेस करके की गई थी। जब उरुग्वे दौर की वार्ता चल रही थी 1987 से 1994 में, तो उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद निर्णय निकाला गया कि 1994 में इस वार्ता के समापन पे एक मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। मराकेश जो है कि कहां पे है, ये किस देश में, ये किस कंट्री में, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसके ही जरिए फिर WTO को स्थापित किया गया और 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना को लागू कर दिया गया। हालांकि इससे पहले एक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड नाम से GATT नाम की एक संस्था चलती थी, जिसकी स्थापना GATT एक व्यापारिक समूह था जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी वॉशिंगटन संधि के द्वारा, लेकिन इसे रिप्लेस करते हुए 1995 में WTO को एस्टैब्लिश किया गया। वर्तमान में अगर हम देखें WTO के अंतर्गत तो 164 देश हैं और इसमें भारत भी शामिल है। अगर हम बात करें कि WTO किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, तो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, जिसमें आप देखोगे विकासशील एवं सबसे कम विकसित जो WTO सदस्यों के एक समूह द्वारा 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। जैसे जो विकासशील देश हैं या बहुत ही विकसित कम विकसित देश हैं, यानी कि जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है लेकिन फिर वो विकसित श्रेणी में आते हैं, तो इसे 2017 में लॉन्च किया गया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भारत शामिल नहीं होगा, क्योंकि अब भारत न तो विकासशील श्रेणी में आता है न ही सबसे कम विकसित श्रेणी में। भारत एक महाशक्ति के रूप में आता है, इसलिए भारत इस जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ये योजना है इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, विकासशील देशों का जो दर्जा है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत डिस्प्यूटेड है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि अमेरिकी सीनेट ने चीन को विकासशील देश के दर्जे को समाप्त करने के लिए कानूनी मंजूरी दे दी, और अमेरिका ने स्पष्ट कहा कि अब चीन के साथ कोई भी ऐसा समझौता विकासशील देश के रूप में नहीं किया जाएगा, बल्कि चीन को क्या किया जाएगा, अब विकसित देश के रूप में माना जाएगा। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास पैसे कम है या आप गरीब स्थिति में हो, तो आपके ऊपर कुछ रियायत की जा सकती है, आपको कुछ सब्सिडी दी जा सकती है। लेकिन अगर आप फॉर्च्यूनर से घूम रहे हो, BMW से घूम रहे हो, और फिर भी आप कहते हो कि नहीं मुझे जो है कि कुछ रियायत या कुछ सब्सिडी दी जाए, तो शायद ये उनके साथ अन्याय होगा जिसको वास्तविक रूप में मिलना चाहिए था। तो यही काम चाइना कर रहा है। चाइना दूसरे नंबर पे चल रहा है इकोनॉमी के मामले में पूरी दुनिया में, टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे चल रहा है, इन्वेस्टमेंट के मामले में सबसे आगे चल रहा है, सबसे अधिक डॉलर भी उसके पास है जितने की USA के पास नहीं है। फिर भी चाइना अपने आप को विकासशील देश कहता है, और विकासशील देश का मतलब पिछड़ा हुआ देश जिसको बहुत सारी सुविधाएं फ्री में मिलती है। तो अमेरिका ने कानून बनाया और कहा कि अब हम चाइना को विकासशील देश नहीं मानेंगे बल्कि विकसित देश मानेंगे। ठीक है, तो चाइना को अब विकासशील देश नहीं माना जाएगा। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने किसी भी देश के लिए विकसित या विकासशील की क्या परिभाषा होगी ये अभी तक नहीं जारी की है। इसीलिए भारत कभी कभी जरूरत पड़ने पर अपने आप को विकासशील देश कहता है कि भारत जैसे विकासशील देशों के साथ समझौता हो गया, तो यहां पर स्टेटमेंट आता विकासशील। कभी कभी भारत अपने लिए महाशक्ति के रूप में यूज करता है कि आज दुनिया की 5 महाशक्तियों में भारत भी जो है कि अमेरिका और रशिया के साथ बैठ के मीटिंग करता है महाशक्ति के रूप में। तो भारत के स्टेटमेंट जगह जगह पे बदलते जाते हैं। इट मींस कि हम जहां पे प्रॉफिटेबल स्थिति में होते हैं प्रॉफिट के लिए, तो वहां पे हम अपने आप को विकासशील दिखा देते हैं, और जहां पे डोमिनेंट की स्थिति होती है, जहां अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होता है कि हां हम दुनिया में सर्वशक्तिमान होते जा रहे हैं, हमारी नीतियों पर पालन करना चाहिए, दुनिया को जो है कि हमारी ओर देखना चाहिए, हमारी नीतियों को फॉलो करना चाहिए, तो हम वहां पर महाशक्ति के रूप में आ जाते हैं। क्योंकि आप देखोगे ये सदस्य देश स्वयं ही घोषणा करते हैं कि हम विकसित देश है या विकासशील देश है। तो चाइना भी अपने आप को विकासशील देश कहता है, और जिससे WTO के बहुत सारे प्रतिबंधों से वो मुक्त हो जाता है। तो यहां पर आपने WTO के बारे में एक बेसिक जानकारी कलेक्ट की और क्या मुद्दा था ये भी देख लिया, लेकिन WTO के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट भी किए जाते हैं, जरा उसे भी समझ लो। जैसे AOA, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि पर समझौता करते हैं। वहीं अगर आप देखोगे बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलू, जिसे हम TRIPS कहते हैं, TRIPS समझौता कहते हैं, और इसी तरीके से आप देखोगे कि व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर जो समझौता होता है, व्यापार सुविधा समझौता होता है, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता जिसे हम GATT भी कह देते हैं, व्यापार संबंधी निवेश उपायों के समझौते, और स्वच्छता और पादप स्वच्छता के उपायों को लागू करने के लिए भी समझौते। तो ये अलग अलग प्रकार के कुछ समझौते किए जाते हैं आपके WTO के द्वारा। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर के प्रति, यानी डॉलर से अलग हटना। अभी क्या होता है दोस्तों कि वर्तमान में दुनिया के बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि हम डॉलर के माध्यम से व्यापार करें, तो इसे हम कहते हैं डॉलर की डिमांड बढ़ना। लेकिन बहुत सारे देश आपसी समझौते से, बहुपक्षीय समझौते से आपस का जो व्यापार है ना, उसे डॉलर की जगह अपनी क्षेत्रीय मुद्रा में करना चाह रहे हैं, या फिर कोई एक नई मुद्रा, नई करेंसी में करना चाह रहे हैं, जिससे डॉलर की डिमांड कम होगी
और डॉलर का प्रभाव भी कम होगा। इसी को हम कहते हैं वी डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर से अलग हटके कोई नई करेंसी पे हम व्यापार करना चाहते हैं। ये मुद्दा चर्चा में तब आया जब ब्रिक्स देशों ने आपस में सहमति जताते हुए एक नई मुद्रा को डेवलप करने का प्रयास किया। ब्रिक्स में आप देखोगे कि जो ब्रिक्स देश होते हैं BRICS यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और इसमें अभी 5 देश और शामिल हो चुके हैं जिसमें टोटल 10 देश हो चुके हैं। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भुगतान करने के लिए नई मुद्रा विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अभी तक जो भारत ब्राजील से व्यापार कर रहा था, रूस से कर रहा था, चीन से कर रहा था, साउथ अफ्रीका से, तो जो भी व्यापार कर रहा था उस वस्तु के बदले या तो डॉलर ले रहा था या तो डॉलर दे रहा था। अब मान लीजिए अगर हमने कोई वस्तु आयात की भारत में तो हम बदले में क्या करेंगे, उस देश को हम पैसा देंगे क्योंकि हमने वस्तु यहां मंगा ली, तो हमने क्या किया, डॉलर दे दिया। या फिर भारत ने किसी वस्तु को बेचा, निर्यात किया, तो उसके बदले में उसे डॉलर मिल गया। लेकिन अब भारत कह रहा है कि ठीक है, हम ब्राजील के साथ एक नई करेंसी में व्यापार करेंगे जिससे हमें डॉलर का इशू नहीं रहेगा। अगर हमारे पास डॉलर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यापार नहीं कर सकते, कोई सामान नहीं खरीद सकते, हम अपनी नई करेंसी में कर लेंगे। या जैसे आप देखोगे कि आपने सुना होगा कि भारत और रसिया के बीच में जो व्यापार होता था वो रुपया और रूबल में भी हुआ है, रुपया और रूबल में। जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस समय 1971 के दौरान रसिया ने भारत के साथ रुपए में व्यापार किया, रूबल में। यानी अगर हमने कोई सामान खरीदा है रसिया से तो हमने उसको डॉलर की जगह रूबल दे दिया, और भारत से अगर रसिया ने कोई सामान खरीदा तो उसने सामान के बदले क्या किया, हमें रुपया दे दिया। तो ऐसे भी क्षेत्रीय स्तर पे हम चीन के साथ रेनमिनबी, जो कि वहां की लोकल मुद्रा युआन, हम उसमें व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक नई मुद्रा डेवलप कर रहे हैं। तो वी डॉलराइजेशन होता क्या है, तो सिंपल सी बात है कि जब भी कोई देश आरक्षित मुद्रा या विनिमय के माध्यम के रूप में US डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करता है तो उसे वी डॉलराइजेशन कहते हैं, वी डॉलरीकरण कहते हैं। मतलब कि हम US डॉलर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम अपनी स्थानीय मुद्रा या सामने वाले जिस देश से हम व्यापार करना चाह रहे हैं हम उसके साथ भी व्यापार उसी मुद्रा में कर सकते हैं। जैसे सऊदी अरब के साथ हम जो है कि दीनार में मुद्रा व्यापार कर रहे हैं तो हमें डॉलर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अच्छा, दूसरी चीज, वैश्विक मुद्रा किसे कहा जाएगा, वैश्विक मुद्रा के निर्धारक क्या है, क्या भारत के कह देने से ही भारत की मुद्रा वैश्विक मुद्रा हो जाएगी, क्या ऐसा तो नहीं है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे एक तो खुली अर्थव्यवस्था हो, यानी कि कोई भी मुद्रा हम अपना सके, अर्थात कोई भी देश उस मुद्रा को अपना सके। दूसरा, पूंजी खाता में भी उसकी परिवर्तनीयता होनी चाहिए। पूंजी खाते का मतलब होता है जहां पे फाइनेंशियल एसेट होती है। इसे मैं आपको मेंस की क्लास जो इकोनॉमिक्स की शुरू करूंगा 2-4 दिन में, जैसी मैं कुछ क्लासेस से फ्री हो जाता हूं, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों ही एक साथ मेंस की क्लास देखने को मिलेंगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आज शाम में आ जाएगी, ऑलरेडी मैंने कल एक क्लास डाली थी जो पहली क्लास थी, बहुत ही स्टैंडर्ड क्लास, बहुत ही अच्छी क्लास, और उसी की अब लगातार आपको देखने को मिलेगी। वहीं राजनीतिक आर्थिक स्थिरता भी होनी चाहिए और स्वीकार्यता और विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम जिस देश के साथ अपनी मुद्रा में व्यापार करना चाह रहे हैं या वहां की मुद्रा में व्यापार करना चाह रहे हैं उस मुद्रा के प्रति लोगों का विश्वास होना चाहिए और लोग उसे स्वीकार कर सके, उस देश का प्रशासन उसे स्वीकार कर सके। आज अगर हम कहीं भी फॉरेन में घूमने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉलर को लेते हैं, डॉलर में चेंज करते हैं अपनी करेंसी को, फिर जाके दुनिया के किसी भी कोने में घूमते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं किसी ऐसे देश में जा रहा हूं, चीन में जा रहा हूं, वहां डॉलर की जगह अगर मैं रेनमिनबी दूं या युआन दूं या रुपए दूं तो वो देश के लोग वहां पे उसे एक्सेप्ट करें और उसे ले सके। ये चीजें होती हैं स्वीकार्यता और विश्वास। इसका सीधा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका जापान से भारत में घूमने आता है, ठीक है, जापान से भारत में घूमने आया और आपको उसने दे दिया येन, जो कि वहां की लोकल मुद्रा है येन, और आप कहोगे नहीं सर मुझे तो डॉलर चाहिए क्योंकि हमारे भारत में तो डॉलर चलता है, डॉलर को मैं बैंक में जाऊंगा 80-82 रुपए के हिसाब से भुना के रुपए कन्वर्ट कर लूंगा। मान लो मुझे 10 डॉलर मिल गया तो मुझे 800 रुपए बैंक दे देगा 80 रुपए के हिसाब से, और जो उसकी प्रोसेसिंग फीस होगी वो काट लेगा 10-20 रुपए। लेकिन वो कह रहा है जापान का व्यक्ति कि भाई भारत और जापान ने आपसी रिश्तों में यह समझौता किया है कि अब जापान की करेंसी भी भारत में चलेगी, आप जापान की करेंसी को ले लो येन को और बैंक में जाना, जैसे आप डॉलर को भुनाते हो वैसे आप येन को भुना लेना, उसके बदले में आपको 60-70 रुपए जो भी मिलना होगा मिल जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो नहीं मैं तो मानूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे ना तो स्वीकार्यता है ना ही मुझे विश्वास है। तो जिस दिन ये विश्वास डेवलप हो जाएगा आम जनता के बीच में तो हम किसी भी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, फिर हम डॉलर के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। इसी को कहा जाता है वी डॉलराइजेशन। अब जरा बात करते हैं कि ब्रिक्स मुद्रा का उपयोग सीमा पार व्यापार के लिए किया जाएगा, यानी ब्रिक्स के जो आपस में जो 10 देश हैं ये आपसी जो है कि रूप से एक दूसरे देश में व्यापार भुगतान के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी हाल ही में भारत और मलेशिया ने भी आपसी भुगतान के लिए भारतीय रुपए में व्यापार का भुगतान करने के लिए सहमत हो चुके हैं। यानी मलेशिया से अगर हम कोई सामान मंगाते तो हम अगर उसे रुपए भी दे देंगे ना तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसे पता है कि भारत और मलेशिया के बीच में समझौता हो चुका है, वो डॉलर नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, उसे रुपए दे दोगे काम बन जाएगा। और इन सभी कदमों से
पता चलता है कि वी डॉलरीकरण की तरफ हम एक आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कि ब्रिक्स में भी हमने अपनी भूमिका निभाई, मलेशिया में भी हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सऊदी अरब यूएई में भी हम दिनार से व्यापार कर ले रहे हैं, ठीक है, रसिया से हम रूबल के रूप में व्यापार कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम डॉलर से अलग हटके कुछ नई नई मुद्राओं में अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसा क्यों पड़ रहा है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है कि हम वी डॉलरीकरण की तरफ चले? देखो, ये सारे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं और यही प्रश्न आपसे यूपीएससी पूछता है। तो पहली चीज कि व्यापार का शस्त्रीकरण किया जा रहा है, क्योंकि व्यापार करने के लिए कुछ ऐसे देश हैं जिन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी, इसे हम स्विफ्ट कहते हैं, इससे बाहर कर दिया जा रहा है। जैसे आप यूक्रेन और रसिया के युद्ध में आप देखोगे कि रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, यूक्रेन पे नहीं लगाया गया, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन रसिया पे प्रतिबंध लगाया गया। और रसिया से अब जो भी देश व्यापार कर रहे हैं उनके पास डॉलर है ही नहीं, इसलिए वो व्यापार नहीं कर पा रहे, पहली समस्या हो रही है। दूसरा, आर्थिक महाशक्ति के रूप में एशिया के उदय ने भारतीय रुपए और युआन जैसी मुद्राओं के महत्व को बढ़ा दिया है, क्योंकि कहा भी जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विचारक हैं वो कहते हैं कि जिस तरीके से 19वीं और 20वीं सदी यूरोप की थी, यूरो अटलांटिक थी, अब वो सदी 21वीं जो है एशिया की होगी। अभी हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, 2024 यानी कि अभी 24 साल बीते, अगले 76 वर्ष अभी हमारे पास है, जिसमें आप देखोगे जितनी आज आपके बीच पॉपुलैरिटी होती है कि हम यूरोप घूम लें, हम लंदन घूम लें, फ्रांस घूम लें, पेरिस घूम लें, स्विट्जरलैंड घूम ले, उसी तरीके की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में एशिया की हो जाएगी, कि लोग एशिया आने के लिए उत्साहित होंगे, एशिया घूमने आएंगे, एशिया में कंपनी एस्टैब्लिशमेंट होगी। और एशिया में तीन बड़े देश हैं, भारत, जापान, चाइना, जिसमें चाइना की मुद्रा युआन है, जिसको रेनमिनबी भी कहा जाता है, और भारत की मुद्रा रुपए। तो कहीं ना कहीं भारतीय रुपए और चाइना की मुद्रा की वैल्यू बढ़ने लगेगी, लोग डॉलर की जगह इन मुद्राओं की डिमांड करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि नई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के कारण से अभी से अगर हम डॉलर के प्रति अलग रवैया अपनाएंगे तब जाके हम अपने रुपए को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। वहीं विविधता की बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार विविध मुद्राओं से परिपूर्ण होना चाहिए, जिससे बाहरी क्षेत्रकों पे दबाव कम होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा IMF के अंतर्गत SDR को पढ़ा होगा, जिसमें 5 मुद्राएं होती हैं, हालांकि आज मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को भी। तो SDR में आपकी डॉलर भी आती है, येन भी आती है, पाउंड भी आती है, रेनमिनबी भी आती है, आप इनमें से किसी भी एक मुद्रा को ले लो, यूरो भी आती है, आप इसको ले लो। वहीं अमेरिका द्वारा लगातार वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हेर फेर किया जाता है, अपने निजी लाभ के लिए वो बार बार जो है कि मौका देता है बदलने का, और देशों को नुकसान होता है अलग से। और भारत में अगर हम वी डॉलरीकरण कर रहे हैं, यानी कि हम डॉलर के प्रति अपने रवैये को बदल रहे हैं, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे भारत में? पहला, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था प्रणालीगत जोखिमों में कमी आएगी, निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि होगी, ऋण प्रबंधन पर बेहतर नियंत्रण होगा, उधार लेने की लागत में कमी आएगी, विदेशी निवेश हमारे यहाँ आकर्षित होगा, क्योंकि जो छोटे छोटे देश हैं जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके पास डॉलर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो अपनी लोकल करेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। और मौद्रिक नीति में भी लचीलापन आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी में भी लचीलापन देखने को मिलेगा। इसके लिए क्या भारत ने या वैश्विक स्तर पर ब्रिक्स ने कोई ऐसी भूमिका शुरू की है क्या, कुछ ऐसी पहल शुरू की है कि वी डॉलरीकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं? तो बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया कि भारत और मलेशिया के बीच में व्यापार हुआ है। इसी तरीके से 2021 में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, चाइना का जो सेंट्रल बैंक था, इसने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट पे ग्लोबल सॉवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसी तरीके से अफ्रीकी महाद्वीप, जो कि साउथ अफ्रीका है ना आपके ब्रिक्स का स्टेट, तो उसने भी अफ्रीकी महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। अर्थात अफ्रीका महाद्वीप में जो भी 54-50 देश आपको देखने को मिलते हैं, 55 देश, ये आपस में अपनी लोकल करेंसी में ही व्यापार करने पे फोकस कर रहे हैं, अब डॉलर पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स कि मैं कह सकता हूँ, हालांकि अफ्रीका के लिए आज ही सुबह मैंने कॉन्टिनेंट की मैपिंग कराई है, जिसकी 1 या 2 क्लासेस और आएंगी, आपको कल सुबह मिल जाएगी। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कंप्लीट हो चुका है, अब अफ्रीका चल रहा है। तो आप देखो कि वहां पे कि मान लो अल्जीरिया को नामीबिया के साथ व्यापार करना है, तो अल्जीरिया नामीबिया आपस में ये नहीं कहेंगे कि हमें डॉलर चाहिए, बल्कि वो अफ्रीकन जो करेंसी है उस पे ही डिमांड कर सकते हैं कि अगर अफ्रीकन करेंसी मिल जाएगी तो भी हम व्यापार कर लेंगे। इसी तरीके से आप देखोगे कि 2007 में यूरोपीय केंद्रीय बैंक, जो यूरोपीय यूनियन है, इसने भी एक टारगेट 2 नाम का एक प्रस्तुत किया प्रणाली, जिसमें यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को यूरो में व्यापार करने और वित्तीय लेनदेन में सक्षम बनाएगा। तो यहां पर भी डॉलर के लिए जो है कि अब डिमांड कम की जा रही, बल्कि यूरो पे फोकस किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे कुछ ऐसी पहले हैं ये, जहां से स्पष्ट क्लियर होता है कि हाँ, वी डॉलरीकरण के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें
कि इसी तरीके से भारत सरकार कौन से प्रयास कर रही है जिससे रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण जो है कि बढ़ेगा। तो ऐसे में आप देखोगे रुपए में सीमा पार उधार लेना, जैसे रुपए में मूल्य वर्गित या मसाला बॉन्ड की शुरुआत करना, हम रुपए में ही जो है कि पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, रुपए में ही व्यापार निपटान कर रहे हैं। जैसे 2022 में, जुलाई 2022 में RBI ने कहा कि विशेष वेस्ट्रो खातों के माध्यम से हम रुपए में व्यापार कर सकते हैं। करेंसी स्वैप जो कि 2018 से 23 करेंसी स्वैप समझौतों पर हमने सहमति दिखा दी है कि हम आपस की करेंसी में जो है कि व्यापार कर सकते हैं। और भी कई सारे अलग अलग उपाय हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि रुपए का भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वैल्यू बढ़ रहा है और अन्य देशों में अब डिमांड बढ़ेगी कि रुपए हमारे पास होना चाहिए, जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ती है। अब यहाँ पर हम रेमिटेंस के बारे में अगर हम बात करें, या जिसे हम लोग रेमिटेंस कह देते हैं या विप्रेषण भी कह देते हैं, रेमिटेंस अगर सामान्य भाषा में बात, तो जो व्यक्ति भारत के बाहर जाके अपने लिए नौकरी कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, वो अपने खर्चों के बाद जो भी पैसा बचता है अपने सगे संबंधियों को जो भारत में भेजते हैं, अपने परिवार को भेजते हैं, तो उसी को हम रेमिटेंस कह देते हैं। अब आप में से जितने भी लोग होंगे, कोई दुबई गया होगा आपकी फैमिली में से, कोई अरब गया होगा, कोई कनाडा गया होगा, कोई अमेरिका गया होगा, कोई जापान गया होगा, कोई चाइना गया होगा, कोई कोरिया गया होगा, तो वहां पे काम हम करने के बाद जो भी उनके पास पैसा बचता होगा तो वो कुछ पैसे आपके लिए जरूर भेजते होंगे। तो यही जो पैसा भेजा जाता है विदेशों से, इसे रेमिटेंस कहते हैं हम, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक इसकी एक रिपोर्ट निकालती है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, निजी पूंजी जुटाने के लिए प्रवासियों के वित्त का लाभ उठाना, इस नाम से शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 2023 में विश्व में रेमिटेंस के रूप में $860 बिलियन भेजे जाने का अनुमान है एक देश से दूसरे देश में, और 2022 की अपेक्षा 3% अधिक है। ये स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बनेगा। इसने ये भी कहा कि 2030 में जो लीस्ट या यूं कहें कि निम्न और मध्यम आय वाले जो देश है, यहाँ पे $669 बिलियन प्राप्त होगा, जिसमें 2022 की तुलना में 3.8% अधिक है। और अगर मैं बात करूँ निम्न और मध्यम आय में, तो इसमें भारत जो है कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि 2024 में दक्षिण एशिया में रेमिटेंस में सर्वाधिक वृद्धि होगी, लगभग $89 बिलियन की, और इसका पीछे एक रीजन बहुत बड़ा है जो है भारत के द्वारा ऐसा किया जाएगा। तो यहाँ पे 2022 की अपेक्षा कुछ जो है कि कंपैरिजन भी किया गया। अब यहाँ पे रेमिटेंस के महत्व की बात करें कि क्या होती है रेमिटेंस, तो सिंपल सी बात है, जो परिवारों की प्रयोज्य आय होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है, इसके बढ़ने के साथ साथ रेमिटेंस से भारत की अर्थव्यवस्था में खपत भी बढ़ जाती है। बात करें अगर हम कि डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई इनकम है, उनमें से टैक्स और फी, जो भी शुल्क वगैरह होते हैं, जो TDS होते हैं, टैक्स वगैरह होते हैं, इनको घटा देने पे जो भी इनकम बचती है वो डिस्पोजेबल इनकम बचती है। सिंपल सी बात अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, तो मान लीजिए अगर आप 100 रुपये कमाते हो, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में हो चाहे प्राइवेट सर्विस में, जिसमें भी, इसमें से आपने अभी जो है कि 10 रुपये टैक्स कटवा दिया और 12 रुपये जो है कि मान लो और भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसका शुल्क लगा होगा, वो सारी चीजें कट गई, या कोई लोन वगैरह ले रखा होगा तो उसकी किस्त वगैरह आपने चुका दी, EMI वगैरह, तो इसके बाद आप देखोगे कि आपका 22 रुपए माइनस हो जाएगा, तो केवल आपके पास 78 रुपीस आपको मिल रहा है। कितना मिल रहा है आपको? लगभग 78 रुपीस आपको मिल रहा है, और यही आपके खर्च करने के लिए वैल्यू है, जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। भारत की GDP का लगभग 3% जो है कि रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होता है। जितनी भी भारत की GDP है, उसका 3% तो भारत को रेमिटेंस के रूप में ही प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर रेमिटेंस विकासशील देशों के लिए कहीं ना कहीं बाह्य स्रोत, बाह्य वित्त का एक प्रमुख स्रोत भी होता है, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कहता है कि दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत रहा है बाह्य वित्त पोषण का। कहने का मतलब होता है, हालांकि सबसे अधिक हम सेवाओं के निर्यात से प्राप्त करते हैं, दूसरा हम रेमिटेंस से प्राप्त करते हैं। अर्थात जब भारत की सरकार को कहीं ना कहीं वित्त की आवश्यकता पड़ती है, तो घरेलू बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजार से भी कुछ पैसे को इकट्ठा करने की कोशिश करती है, जिसमें रेमिटेंस एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। रेमिटेंस भी जो है कि बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। यहाँ पे हम वर्ल्ड बैंक को पहले समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक कोई एक बैंक नहीं, बल्कि 5 अलग अलग बैंकों का एक समूह होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ये वैश्विक सहकारी संस्था है जिसमें 189 जो है कि सदस्य होते हैं, और ये दुनिया के सबसे बड़े विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। दूसरा इसी में शामिल होता है IDA, यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो दुनिया के सबसे निर्धन देशों की मदद करता है। 1960 में इसे एस्टैब्लिश किया गया। ये सामान्यता या तो शून्य ऋण पर, यानी कि शून्य ब्याज दर, या बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है, जिसे हम लोग क्रेडिट्स भी कहते हैं। और तीसरा होता है IFC की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त, तो ये क्या करता है, ये निजी क्षेत्र की संबंधी शाखा होती है। इसके जरिए वैश्विक गरीबी वगैरह को कम करने के लिए प्रयास किया जाता है।
चौथा होता है आपका मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एसोसिएशन या एजेंसी के रूप में ये गैर व्यवसायिक जोखिमों के प्रति निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों या स्रोतों की पूर्ति के लिए होता है। और आखिरी एक मिलता है आपको अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र जिसको ICSID कहते हैं। ये कन्वेंशन ऑन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल ऑफ द अदर स्टेट्स जिसकी स्थापना वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानी जाती है। मान लीजिए कि अगर भारत ने श्रीलंका में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 करोड़ रुपए की डील की है और अगर हो सकता वो इन्वेस्टमेंट गलत तरीके से हो या श्रीलंका को पैसा ना दिया जाए तो वो ऐसे में क्लेम कर सकता है वर्ल्ड बैंक के इस संस्था में ICSID में कि भाई मैंने जो है कि भारत के साथ एक समझौता किया जिसमें 5 करोड़ रुपए का जो है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है या जो भी चीजें हैं तो इसका समाधान वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाएगा। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट होगी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसी के तहत ये अपनी रेमिटेंस की जानकारी देते हैं कि विश्व में रेमिटेंस कितना और कहां से कलेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर कुछ और भी आंकड़े मैं आपको बताना चाहूं विप्रेषण से संबंधित है तो यहाँ पे सीधी भाषा समझो कि विदेशों में जो रह रहे लोग होते हैं वो प्रवासी श्रमिकों के द्वारा अपने मूल देश में जहाँ के वो नागरिक होते हैं अपने सगे संबंधियों परिवारों को जो पैसा भेजते हैं इसे विप्रेषण कहते हैं, जिसके लिए वो ट्रांसफर यूज कर सकते हैं, पैसे को इलेक्ट्रॉनिक UPI यूज कर सकते हैं, ड्राफ्ट या चेक या मनी ऑर्डर, ये सभी चीजें। अगर हम यहाँ पे कुछ आंकड़ों की बात करें तो विश्व में 3 ऐसे प्राप्तकर्ता देश हैं जो पूरे करेंसी के रूप में यानी कि कितना उन्हें प्राप्त हो रहा है पैसा, तो भारत नंबर 1 होता है, नंबर 2 मेक्सिको, नंबर 3 चाइना। इन 3 देशों को क्रमशः जो है कि 2022 में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त हुआ। अगर मैं भारत के अंतर्गत भी राज्य की स्थिति की बात करूं तो सबसे अधिक रेमिटेंस अब महाराष्ट्र में दिया जा रहा है, सेकंड नंबर पे केरल दिया जा रहा है और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। पहले जो रेमिटेंस आता था वो सबसे अधिक केरल में आता था लेकिन अब महाराष्ट्र में सबसे अधिक रेमिटेंस आ रहा है, केरल में आ रहा है दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु में आ रहा है। अगर हम बात करें 2022 में विप्रेषण के शीर्ष 3 प्राप्तकर्ता जो कि GDP के प्रतिशत के रूप में देखोगे जितनी उनकी GDP है उसके परसेंटेज के रूप में, तो ताजिकिस्तान में सबसे अधिक, फिर टोंगा और फिर लेबनान में। और यहाँ पे आप देखोगे कि भारत को जो रेमिटेंस प्राप्त हो रहा है दुनिया में सबसे अधिक तो वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो सबसे अधिक USA से प्राप्त हो रहा है 23.4%, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE से 18%, और तीसरा यूनाइटेड किंगडम से लगभग 6.8%। तो आप देखोगे भारत के संदर्भ में 3 जानकारियां हैं, दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंस कहाँ प्राप्त हो रहा है, भारत में प्राप्त हो रहा है, भारत के अंतर्गत किन राज्यों में प्राप्त हो रहा है, तो महाराष्ट्र केरल तमिलनाडु में, और भारत को कौन से देश से रेमिटेंस सबसे अधिक आ रहा है, तो USA से, फिर UAE से, फिर यूनाइटेड किंगडम से आ रहा है। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। तो यहां पर ये चीजें आपने समझ ली और अब हम चलते हैं इसी में रेमिटेंस के बारे में बात करेंगे, जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में बात हम करेंगे। यहां पर ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय निवासियों द्वारा विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च के लिए RBI की LRS यानी कि लिबरलाइज्ड विप्रेषण योजना या रेमिटेंस योजना में शामिल कर दिया है और एक वित्तीय वर्ष में वो $2.5 लाख से अधिक तक जो है कि खर्च नहीं कर सकते। समझने वाली बात फिर से है कि RBI ने एक पॉलिसी निकाली थी कि अगर आप विदेशों में जाते हो तो डेबिट कार्ड के माध्यम से, ध्यान देना, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप $2.5 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकते, $2.5 लाख। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अब एक नया पॉलिसी किया कि क्रेडिट कार्ड से भी आप अब खर्च नहीं कर सकते $2.5 लाख से अधिक। इसके बारे में बात करें तो वर्तमान में जितने भी निवासी भारतीय हैं वो विदेशों में क्रेडिट कार्ड के उपयोग से विप्रेषण संबंधी $2.5 लाख की सीमा से बाहर रखा गया था और अब क्रेडिट कार्ड धारकों को यह छूट फेमा के एक्ट के तहत दी गई थी, लेकिन विदेशों में अब डेबिट कार्ड से होने वाला जो लेन देन था वो पहले से ही शामिल हो चुका है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपने समझी। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि फेमा अधिनियम जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होता है 1999 के तहत, सभी निवासी भारतीय किसी भी चालू खाते के लेन देन हेतु विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए स्वतंत्र है। चालू खाते का मतलब क्या होता है ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, हालांकि मैंने 1-2 टॉपिक में अभी आपको पढ़ाया था कल शायद, चालू खाते जिसमें आप देखोगे व्यापार किया जाता है, सेवाएं होती है, ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे हम LRS की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो LRS स्कीम 2004 में शुरू किया गया था और जिसके तहत विदेशी मुद्रा विनिमय को उदार बनाना और विदेशों में भारतीय निवासियों द्वारा धन के सुचारू हस्तांतरण की सुविधा को प्रदान करना
था। यहां पे अगर आप देखोगे चालू या पूंजी खाता दोनों के जरिए प्रति वर्ष जो प्रति वित्तीय वर्ष है ये $2.5 लाख से अधिक का आप रेमिटेंस जो है कि यूज नहीं कर सकते। इस सीमा से ऊपर अगर आपको खर्च करना है विदेशों में जाके तो कहीं ना कहीं आपको RBI की पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए किया गया कि मान लो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो भारत में इन्वेस्ट करते हैं और वो विदेशों में अगर जाएंगे और $2.5 लाख से अधिक अगर वो रुपया खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत में जो है कि डॉलर की कमी महसूस होगी और ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो इसलिए RBI से जो है कि परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप $2.5 लाख से अधिक अगर आप खर्च करो, क्योंकि अगर आप $2.5 लाख की अगर गुणा 80 से करोगे यानी 82 रुपए चाहे 80 रुपए तो आप देखोगे बहुत बड़ा एक अमाउंट बनता है, क्योंकि $1 की कीमत 80 रुपए तो $2.5 की कीमत बहुत बड़ा एक अमाउंट बन जाएगा करोड़ों के आसपास। तो इसलिए इसे होल्ड करने के लिए किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन की गई है जहां पे आपको प्रतिबंधित भी किया गया, जहां पे को स्वीकार भी किया गया। जैसे अगर आप देखोगे कि कहां पे आप रेमिटेंस $2.5 लाख से ऊपर कर सकते हो, जैसे नेपाल या भूटान को छोड़कर किसी और देश की निजी यात्रा के लिए आप रेमिटेंस पर प्रतिबंध कोई नहीं है, उपहार या दान के लिए कोई रेमिटेंस पे प्रतिबंध नहीं है, रोजगार के लिए विदेश अगर आप जा रहे हो तो भी कोई रेमिटेंस पे प्रतिबंध नहीं है, यदि कोई प्रवासी के तौर पर विदेश जाता है तो उसी स्थिति में कोई रेमिटेंस पे प्रतिबंध नहीं है। विदेश में अब जैसे कोई मान लो यहां पर रोजगार के लिए अगर आप विदेश में जा रहे हो नो डाउट आप $2.5 लाख से तो अधिक ही खर्च करोगे एक साल में। विदेश में रह रहे अपने सगे के भरण पोषण के लिए भी आप रेमिटेंस पे कोई प्रतिबंध नहीं, व्यवसाय या कॉन्फ्रेंस के लिए विशेष ट्रेनिंग के लिए या इलाज के लिए कोई रेमिटेंस पे प्रतिबंध नहीं, या विदेशों में अगर आप पढ़ाई भी जा रहे करने तो इसके खर्चों के लिए प्रेषण पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो यहां पे ये चीजें आपको समझ में आ गई कि इस तरीके से यहां पे आपको छूट भी दी गई है। अब आते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसने अभी हाल ही में मूडीज जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत की BAA3 रेटिंग की पुष्टि की है और इससे पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक स्थिर दृष्टिकोण अपनाया गया, यानी कि इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर रेटिंग सिंबल के बारे में बात करें जो ये रेटिंग एजेंसियां सिंबल देती है, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को AAA दिया जा रहा है इसका मतलब ये माना जाता है कि उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है, उच्च दर्जे की होती है, क्योंकि वो सभी समय पर जो है कि ऋण चुकाती है, मूलधन भी देती है, ब्याज भी देती है, अर्थात वो उच्चतम स्तर की सुरक्षा है वहां पे। आप अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो देश में आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। रेटिंग एजेंसी से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यही देखते हैं कि किस देश को क्या रेटिंग एजेंसी दी गई है। अगर किसी देश को AAA दी जाती है इट मींस कि आप कितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो वहां पे आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां के देश जो है कि समय पे ऋण चुका देते हैं। अगर किसी देश को AA मिल रहा है तो यानी कि उच्च स्तर की सुरक्षा है। अब इस पॉइंट से आप समझ गए होंगे फिर ए फिर बी बी बी, अब भारत को यहां पे BB फिर बी फिर सी फिर डी, तो इस तरीके से ये आपके डिफॉल्टर होने की स्थिति होती है। अब जैसे अगर डी की बात करें तो डिफॉल्ट घोषित या जल्द ही डिफॉल्ट होने की आशंका होती है जहां पे किसी भी इन्वेस्टर का सारा पैसा डूब सकता है, तो ऐसी रेटिंग जिस भी देशों को दी जाती है वो जो है वहां पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं देश। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो वैश्विक स्तर की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जिसको हम लोग CRA भी कह सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये सॉवरेन या संप्रभु रेटिंग के जरिए निवेशक किसी देश में निवेश करते समय उस देश के ऋण चुकाने की क्षमता को देख सकता है। तो ये रेटिंग एजेंसी से देखते हैं सारे इन्वेस्टर्स की भाई भारत की स्थिति क्या है। अगर हम बात करें तो रेटिंग के एजेंसियों का जो असर होता है वो $66 ट्रिलियन से अधिक संप्रभु ऋण पर पड़ता है, जो कि वैश्विक पूंजी के लिए गेटकीपर के काम करते हैं। अर्थात कि ग्लोबल स्तर पर या किसी भी देश में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो सबसे पहले रेटिंग एजेंसियों को देखता है। इसलिए रेटिंग एजेंसियों के द्वारा अगर अच्छी रेटिंग दी जा रही तो आपके लिए बेस्ट माना जाएगा। अब यहां पर आप देखोगे रेटिंग एजेंसियों की जो भूमिका है वो मैंने आपको ऊपर बता दी है, लेकिन वैश्विक स्तर पर 3 प्रमुख रेटिंग एजेंसियां हैं जिसमें स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, फिर मूडीज है और फिच है। ये भारत की निवेश ग्रेड की रेटिंग प्रदान करती हैं। यहां पे भारत की भी कुछ रेटिंग एजेंसियां हैं जिसको आप देखोगे कि सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विनियमन 1999 के तहत सभी क्रेडिट रेटिंग फर्मों को विनियमित करते हैं, जिसमें कुछ 7 प्रकार की रेटिंग एजेंसियां हैं। एक होती क्रिसिल, दूसरी केयर, तीसरी इकरा, चौथी इक्वाइट रेटिंग एंड रिसर्च, फिर 5 नंबर पे ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट, और 6 नंबर पे इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, और 7 नंबर पे आती इंफोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 7 प्रकार की अलग अलग रेटिंग एजेंसियां होती हैं। यहां पर अगर हम बात करें कि बाजार भागीदारों को ये सशक्त बनाती हैं रेटिंग एजेंसियों की, अगर हम काम करें तो जो भी बाजार में भागीदार हो रहा है, अब बाजार में भागीदार कौन होता है, सामान्यतः इन्वेस्टर तो होते हैं, तो उनको वो सशक्त बनाती हैं और वित्तीय बाजार के विकास और उसे अधिक कुशल बनाने में मदद मिलती है, और किसी व्यक्ति या कंपनी के ऋण चुकाने की क्षमता और उसका मूल्यांकन और आकलन करती है, जिससे अगर किसी कंपनी के शेयर मार्केट में
कोई भी व्यक्ति अगर शेयर को खरीदना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इसे पहले से पता होना चाहिए कि हाँ इसकी स्थिति क्या है और आगे भविष्य में इसकी स्थिति क्या हो सकती है। अब जैसे भारत की जो रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने पेटीएम की रेटिंग की कि भाई अब पेटीएम जो है कि बहुत ही डार्क जोन में जाने वाला है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में जाने वाला है, जहां से इन्वेस्टर्स को नुकसान ही होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो जितने भी इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या किया, अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है कि निकाला पेटीएम से और अपने आप को सुरक्षित कर लिया। किसके बिहाफ पे? रेटिंग एजेंसियों के बिहाफ पर। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे आईएमएफ। भाई आईएमएफ की अगर हम बात करें तो क्या मुद्दा है कि आईएमएफ के कोटे में वृद्धि की जा रही है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रूप में, क्योंकि आईएमएफ के जो कार्यकारी बोर्ड ने सदस्य देशों में कोटे में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में अगर आप देखोगे तो 50% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया, और ये जो वृद्धि होगी वो ओवरऑल पे नहीं होगी, बल्कि जो भी मौजूदा कोटा होगा उसके अनुपात में वृद्धि होगी। मान लेते हैं कि भारत का कोटा अगर मान लो 6% है, ठीक है, 6% है, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसमें 50% की वृद्धि होगी, अर्थात कि 6 का 50% हो जाएगा 3%, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा, यानी भारत का कोटा 9% हो जाएगा। और कोटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि भारत या किसी भी देश के द्वारा जितनी अधिक मात्रा में आईएमएफ में कोटा होगा, उतना ही उसका डिसीजन मेकिंग में या पॉलिसी निर्माण में उसकी भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। अभी आप समझ लोगे कैसे। यहां पे देखोगे कि मंजूरी के बाद प्रस्ताव पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा विचार और मतदान किया जाएगा, इसके बाद ही इसे प्रभावी किया जाएगा, क्योंकि आईएमएफ के स्थायी संसाधनों को बढ़ाया जा सकेगा, वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा जा सकेगा, और इससे ऋण के माध्यम से जुटाए जाने वाले संसाधनों पर भी निर्भरता कम हो सकेगी आईएमएफ की। आईएमएफ के बारे में बात करें तो ये जो आईएमएफ कोटा होता है, ये कोटा आईएमएफ की वित्तीय और शासी संरचना का एक प्रमुख भाग है, यानी प्रशासनिक स्तर पे, और इसमें एसडीआर के रूप में इसे दर्शाया जाता है, जो कि आईएमएफ का यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, यानी एक केवल और केवल ये पेपर पे रिटन फॉर्म में होता है, कोई करेंसी नहीं होती, हार्ड करेंसी के रूप में नहीं होती, बस एसडीआर के एक पेपर में लिख दिया जाता है, मेंटेन कर दिया जाता है कि इस देश का एसडीआर कितना है, इस देश का कोटा कितना है। किसी भी सदस्य देश ने आईएमएफ के कितने संसाधनों का योगदान दिया, इससे यह भी पता चलेगा, और आईएमएफ में लिए जाने वाले निर्णयों में सदस्य देश की मतदान शक्ति क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लेते हैं कि भारत की जो कोटे की पावर है वो 2.5% है, वहीं अमेरिका की जो है कि 28% है, जापान की जो है अगर आप देखोगे जापान की मान लो 16% है, तो किसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी? अमेरिका और जापान की, भारत की तो बात ही नहीं सुनेगा कोई, क्योंकि 2.5% है, तो मतदान जिसकी अधिक शक्ति होगी कोटे में वही तो मतदान ज्यादा करेगा। कोटे का मतलब हो गया कि आपको इसमें इतना डॉलर या इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब भारत में खुद ही इतनी सारी समस्याएं हैं, अवसंरचना को लेके, वित्तीय लेके, गरीबी को लेके, भुखमरी को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, पहले भारत इन्हीं सुविधाओं के लिए पैसे खर्च कर ले, तब जाके अपना कोटा वृद्धि करेगा। हालांकि एसडीआर के रूप में इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 1 लाख पर एक वोट और एक मूल वोट मिलता है, और एक सदस्य आईएमएफ से कितना ऋण प्राप्त कर सकता है यह भी इसी से तय होता है। अब भारत की अगर हम बात करें तो 2.63% मतदान का अधिकार है, और इसका जो एसडीआर का कोटा है वो होता है 2.75%। कितना होता है कोटा इसका? 2.75% जो है कि इसका कोटा होता है। अब यहाँ पे हम जरा बेसिक चीजों को समझ लेते हैं कि आईएमएफ क्या होता है। सबसे पहले 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में स्थापित किया गया था यूएसए में। वर्ल्ड बैंक समूह में शामिल होने के योग्य होने वाले देश ही आईएमएफ में पहले से ही शामिल होने चाहिए, अर्थात जो देश आईएमएफ में शामिल होगा वही जो है कि वर्ल्ड बैंक में शामिल होगा। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है, जो यूएस की राजधानी और पोटोमैक रिवर के तट पे है। और आईएमएफ के 3 महत्वपूर्ण मिशन जैसे कि मौद्रिक सहयोग बढ़ावा दो, व्यापार और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करो, ऐसी नीतियों को हतोत्साहित करो जो समृद्धि को नुकसान पहुंचाती है, समृद्धि को, तो ऐसे भारत सहित इसमें 190 देश है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट, ये 2 अलग अलग रिपोर्ट है जो इंपॉर्टेंट रूप से ये पब्लिक की जाती है आईएमएफ के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मैंने आपको बता दी, डब्ल्यूटीओ की बता दी, आईएमएफ की बता दी, ये वो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जहां से सबसे अधिक रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाती हैं। अब चलते हैं हम अपने 7th यूनिट पर, और 7th यूनिट हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो कि आज हमारी क्लास लगभग 1.5 घंटे की बनेगी, क्योंकि इसमें आज सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा। तो यहां पर हम एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे, पहले भारत में जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, उर्वरक क्षेत्र है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है CCEA, इसने किसानों के लिए एक नवीन योजनाओं के रूप में एक विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है, और इस विशेष पैकेज में जो पैसा खर्च किया जाएगा परिव्यय आउटले वो 3.7 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 3.70 लाख करोड़ रुपए का है। और स्वीकृत योजनाओं में कौन कौन सी जो है कि पॉइंट है, कौन कौन सी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली
पीएम प्रणाम योजना जो कि 2023-24 के बजट में घोषित की गई थी, और इसमें वैकल्पिक उर्वरक पे जो है कि फोकस किया गया था, ताकि रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, जो कहीं ना कहीं मिट्टी और पौधों की गुणवत्ता को कम करते हैं, साथ में मानव के स्वास्थ्य को भी हानिकारक पहुंचाते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए या इसको कम करने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इसमें नई नई जो है कि वैकल्पिक खाद वगैरह ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं गोवर्धन की बात करेंगे, इससे प्राप्त जैविक उर्वरकों के लिए स्वीकृत किया गया, जिसे 2018 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शुरू किया गया, और इसमें गांव की स्वच्छता पर भी फोकस किया गया, अर्थात जो गोबर होता है उसके प्रयोग से हम गोवर्धन प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर लेपित यूरिया जो होती है, यूरिया गोल्ड की शुरुआत मृदा में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए किया गया, हालांकि इसकी इनपुट लागत को कम करने के लिए सल्फर लेपित यूरिया यानी यूरिया गोल्ड के प्रयोग की शुरुआत कर दी गई थी, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए। और यूरिया गोल्ड वर्तमान में उपयोग किया जाने वाले नीम लेपित यूरिया की तुलना में काफी किफायती है और दक्ष भी है। यूरिया सब्सिडी योजना को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया 2 वर्षों के लिए, जिसमें 2025-26 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करना है। अब इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि भारत में उर्वरक का उद्योग कैसे चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, जिस कोर इंडस्ट्रीज में से एक आपकी उर्वरक भी होती है। अगर हम कुल उर्वरक खपत में यूरिया की हिस्सेदारी देखें तो 2/3 जितनी भी हमारी उर्वरक होती है, उर्वरक का मतलब बिल्कुल यूरिया नहीं होता, उर्वरक का मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका उसमें यूरिया सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पोटाश की आवश्यकता को आयात के जरिए भारत पूरा करता है। अगर हम देखें तो प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों को उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यहाँ पे प्राथमिक उर्वरक में अगर आप देखोगे तो जो पुनः मृदा को आपूर्ति किए जाने वाले पोषक तत्वों के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन युक्त होती है यूरिया, फॉस्फेटिक उर्वरक होते हैं, पोटाश होती है, ये सब होती है, जिसको हम लोग म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं। और द्वितीयक उर्वरक में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, जिंक, बोरान, क्लोराइड, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। भारत के अगर हम उर्वरक क्षेत्र की बात करें तो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक का उपभोक्ता देश है, उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और विश्व में उर्वरक सामग्री का सबसे बड़ा आयातक देश भी भारत है। तो ये देखोगे कि दूसरे नंबर पे उपभोक्ता है, तीसरे नंबर पे प्रोडक्शन करने वाला उत्पादकता है, और आयातक में नंबर एक पे आता है विश्व में काफी लंबे मात्रा में। फास्फोरस की यहीं पर बात कर लेते हैं, तो भारत में फास्फोरस को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है भारत को। इससे संबंधित ये मामला चर्चा में आया कि भारत विश्व में फास्फोरस का एक सबसे बड़ा आयातक देश हो चुका है। अधिकतर हिस्सा अगर देखोगे तो पश्चिमी अफ्रीका के कैडमियम से भरे भंडारों में होता है, और भारत के अगर आप देखोगे तो भारत में फास्फेट की चट्टान केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ नीचे पाए जाते हैं। लेकिन इससे भारत में फास्फोरस की जो आवश्यकता, जो डिमांड है, वो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ प्रायद्वीपीय भारत में भी है, जैसे कि ललितपुर में हो गया, मसूरी अभिनति में हो गया, कड़प्पा बेसिन में हो गया, लेकिन यहां पे जितना भी पाया जाएगा फास्फोरस, उससे भारत की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता। फास्फोरस को लेके एक समस्या ये भी है कि ये कैडमियम के साथ मौजूद होती है, जो कि एक भारी धातु होती है, और इसको अलग करना एक महंगी प्रक्रिया है। दूसरा भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा भी है, क्योंकि चीन हो गया, अल्जीरिया हो गया, ऐसे देश, मोरक्को, पश्चिमी सारा, इन देशों के पास फास्फोरस के अधिकतर भंडार पाए जाते हैं, और जो कि भू राजनीतिक महत्व है। अब चाइना से अगर हमारा संबंध अच्छा नहीं है तो चाइना क्या करेगा, फास्फोरस देना बंद कर देगा, और ऐसे में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि फास्फोरस के जो हानिकारक प्रभाव में भी अगर आप देखोगे तो कृषि अपोहा के रूप में सीवेज के माध्यम से सीधे जल निकायों में पहुंचता है, और इससे विषाक्त शैवालों की वृद्धि होती है, और साथ में जब मानव से जो पानी पीता है इसको, फास्फेट को, फास्फोरस युक्त को, तो इससे भी उसको प्रॉब्लम होती है। कैडमियम युक्त उर्वरकों को मिट्टी में डाला जाता है, फसलें इन्हें अवशोषित कर लेती हैं, और इनका शरीर में जैव संचयन होता है, यानी कि रोगों के रूप में इसकी वृद्धि होती जाती है, और हृदय रोग में खासकर वृद्धि होती है। अब बात करेंगे यहाँ पे लघु सिंचाई की बात करेंगे, जो कि हम माइनर इरिगेशन भी कह सकते हो, या आगे हम बात करते हैं इसमें। तो जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजना पर अभी 6ठी गणना रिपोर्ट जारी की है। पहली गणना का जो संदर्भ था 1986 से 87 था, और ये रिपोर्ट 1993 में प्रकाशित की गई थी। लेकिन वर्तमान में देखोगे तो भारत में 3 प्रकार की इरिगेशन होती है, एक तो प्रमुख, एक मध्यम, एक लघु। तीनों की कैटेगरी क्या होती है कि जो प्रमुख सिंचाई परियोजना होती है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक की होती है, मध्यम वाली 2,000 से लेकर 10,000 के बीच होती है, और लघु वाले में 2,000 हेक्टेयर से कम होती है, ये आपकी इरिगेशन की पद्धति होती है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई थी इसमें बताया गया कि स्रोत क्या है लघु सिंचाई परियोजना के लिए, तो सतही और भूजल दोनों ही जल स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रमुख और मध्यम परियोजना के लिए सतही जल संसाधनों का दोहन किया जाता है। तो कुछ जल आपका भूमि के नीचे भी स्थिर होता है, भूजल जिसे कहते हैं, और कुछ सतही जल होता है जिसमें हम नदी, झीलों, तालाबों का, नहरों के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। लघु सिंचाई की बात करें तो समग्र रूप से राज्य सरकारों द्वारा इनको कार्यान्वित किया जाता है, और लघु सिंचाई की सांख्यिकी का एक युक्तिकरण RMIS, ये केंद्र प्रायोजित योजना जो कि 1987 और 88
1968 में शुरू की गई थी। लघु सिंचाई योजनाओं की श्रेणियों की बात करेंगे तो भूजल में जैसे आप देखोगे कुएं, बोरवेल, कम गहराई वाले ट्यूबवेल, मध्यम गहराई वाले ट्यूबवेल, अत्यधिक गहराई वाले ट्यूबवेल, जो कि जमीन के अंदर से बोरिंग करके उन पानियों को बाहर निकाला जाता है और फिर उससे सिंचाई की जाती है। जबकि सतही जल में आपके टैंक हो गए, चेक डैम हो गए या संरक्षण सह भूजल पुनर्भरण हो गए, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट पर अगर हम एक नजर देखें तो जल निकायों की जो पहली गणना हुई तो छठी लघु सिंचाई योजना के सहयोग से हुई और जिसका संदर्भ वर्ष 2017-18 के रेफरेंस में था और जिसका उद्देश्य था कि एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करेंगे। तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 695 जिलों में लगभग 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं विद्यमान है, जिसमें अगर आप देखोगे तो सबसे अधिक 94.8% भूजल पर आधारित है, जिसमें कुएं, ट्यूबवेल, गहरे ट्यूबवेल इनका प्रयोग किया जा रहा है, और जबकि 5.2% सतही जल पर आधारित है। तो सबसे अधिक आपको क्या देखने को मिला, भूजल आधारित, जिसमें भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है 17.2% के साथ, दूसरे नंबर पे 15.4% के साथ महाराष्ट्र है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है 9.9%, चौथे पे तमिलनाडु है 9.1%। और अगर हम बात करें लघु सिंचाई परियोजनाओं में जितने भी हमने भूजल के संसाधन देखे, इसमें सबसे अधिक कुओं की हिस्सेदारी देखने को मिलती है, इसके बाद कम गहरे ट्यूबवेल्स, मध्यम गहरे और गहरे ट्यूबवेल्स का स्थान तो सबसे कम होता है। लघु सिंचाई योजनाओं की अगर हम बात करें तो पांचवी गणना के सापेक्ष 1.42 मिलियन की वृद्धि हुई है, जिसमें 96.6% जो है कि निजी स्वामित्व में है और लगभग 3.4% सार्वजनिक स्वामित्व में है। जो सरकारी ट्यूबवेल्स होते हैं वो केवल 4% है, जबकि प्राइवेट स्तर पे ट्यूबवेल्स हो गए, कुएं हो गए, सिंचाई के और भी साधन हो गए, ये प्राइवेट स्तर पे हर घरों में जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे पश्चिमी यूपी में स्पेशली आपको देखने को मिलेगा। और इसमें भी व्यक्तिगत स्वामित्व में आप देखोगे तो 18.1% स्वामित्व महिलाओं के पास है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे कुछ आंकड़े थे जो स्टैंडर्ड हो सकते हैं, यूपीएससी के लिए प्रश्न बन सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक था ये कुछ खास नहीं था, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। लेकिन यहाँ पे सीड सर्टिफिकेशन पर हम बात करेंगे, क्योंकि बीज प्रमाणीकरण पे प्रश्न पूछा गया है, जैसे आरओ में भी आया था आधार बीज, प्रमाणिक बीज, केंद्रीय बीज, इसी तरीके से आपका यूपीएससी भी प्रश्न पूछता है। तो चर्चा में क्यों है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल, साथी के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो सीड ट्रस्टेबिलिटी ऑथेंटिकेटिंग ऑथेंटिकेशन होलिस्टिक इन्वेंट्री, जो कि साथी पोर्टल लॉन्च किया, और इसमें आप देखोगे कि केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली है। इसमें बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान करना, बीज प्रमाणन की जो चुनौतियां होती है इनसे निपटने के लिए पूरा काम किया जाएगा, और क्यूआर कोड के माध्यम से बीजों की प्रमाणिकता को भी पता लगाया जा सकेगा। और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से उत्तम बीज समृद्ध किसान थीम पर आधारित जो है कि इसको विकसित किया है। क्लियर है ये बातें? बस इतनी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हालांकि इसमें और कुछ खास था नहीं। लेकिन ये आखिरी लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बीज प्रमाणीकरण को कानूनी दर्जा बीज अधिनियम 1966 द्वारा दिया जाता है, और बीज प्रमाणन भारत में एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, इसके लिए लेबलिंग करना अनिवार्य होता है। अब हम चलते हैं फूड स्टोरेज इन इंडिया। फूड स्टोरेज कहाँ किया था? एफसीआई के द्वारा किया था, खाद्य भंडार, जिसमें आप देखोगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्रों में क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को शुरू किया है, और यह एक अंतर मंत्रालय समिति के गठन और उसे सशक्त करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य क्या होगा, इसके तहत हम खाद्य सुरक्षा को सबसे पहले मजबूत करेंगे ताकि भारत में सभी को खाद्य सुरक्षा मिल सके, खाद्यान्न की बर्बादी को हम कम करने का प्रयास करेंगे, जो बहुत प्रकार के चाहे नमी से, चाहे सीलन से, चाहे जानवर जो चूहे वगैरह होते हैं इनसे जो खाद्य का नुकसान किया था उसको बचाया जाएगा, किसानों को भी मजबूत किया जाएगा, और इसके लिए जो पैक्स होता है यानी कि प्राथमिक एग्रीकल्चर साख समितियां जो होती हैं और इनके स्तर पे गोदामों और कृषि अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा, ताकि ग्रामीण स्तर पे ही जो है कि हम गोदाम और भंडारण को जो है कि यूज कर सकें, और जिसमें किसान अपने जो है कि गल्ले को या अपने अनाज को संसाधन के रूप में सुरक्षित रख सकेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें पैक्स की, तो ये ग्राम स्तरीय सहकारी ऋण समितियां हैं, जो कि ये राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों के शीर्ष नेतृत्व वाली त्रिस्तरीय सहकारी संरचना में आती है अंतिम कड़ी के रूप में। अब यहाँ पे पैक्स क्या किसानों को कृषि कार्य के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करती है, और इस ऋण को फसल ऋण भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा ग्राम स्तर पे कहीं ना कहीं अब कोल्ड स्टोरेज और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाएगा, निर्मित किया जाएगा गाँव में, जहाँ पे सभी किसान अपने अनाज भंडार को सुरक्षित रह सकेंगे। हालांकि अभी इसे वर्तमान में कम 10 चयनित जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पे आप देखोगे इसके समन्वय के लिए कुछ योजनाओं को पहचान की गई है, जिसमें कृषि अवसंरचना कोष की बात करेंगे, फिर कृषि विपणन अवसंरचना कोष, एकीकृत बागवानी विकास मिशन और कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन,
इसी तरीके से आप देखो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का औपचारीकरण योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो गई, या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यों का आवंटन या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद करना। तो ये सारी योजनाएं इसमें पहचानी गई है समन्वय करने के लिए, सहकारिता के लिए, यानी इंटीग्रेटेड करने के लिए। और आगे अगर हम बात करें भारत में खाद्यान्न प्रबंधन कैसे किया जाता है, अनाज का प्रबंधन, तो आप देखोगे कि देश में प्रति वर्ष लगभग 3100 लाख टन का अनाज उत्पादन किया जाता है। वो अनाज में गेहूं, चावल, मटर, जौ, राई, दाल कुछ भी हो सकता है। केंद्रीकृत स्तर पर बात करोगे तो भारतीय जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम है, इसके द्वारा अनाज की खरीद या तो सीधे कर ली जाती है या फिर राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा की जाती है। और राज्य सरकार की जितनी भी एजेंसियां होती हैं वो खाद्यान्न को खरीद के क्या करती हैं, एफसीआई को सौंप देती हैं। तो कुछ जगह तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट खरीदती है और कहीं कहीं पर स्टेट की जो एजेंसीज होती हैं वो इस अनाज को खरीदती हैं और एफसीआई को ट्रांसफर कर देती हैं। इसमें विकेंद्रीकृत योजना की बात करेंगे तो 97-98 में शुरू की गई थी। खाद्यान्नों का जो वितरण होता है वो एफसीआई के जरिए खाद्यान्न की खरीद भी होती है, भंडारण भी होती है, परिवहन संबंधी कार्यकलाप देखते हैं, लेकिन जो आवंटन का काम होता है वो राज्य सरकारों को होता है। अब होता क्या, जो आपके यहाँ गेहूं वगैरह आता है, चावल आता है, चीनी आता है, जो भी आपको खाद्यान्न सामग्री मिलती है राज्य सरकार के द्वारा, जो आपके कोटे की दुकानें होती है, सरकारी राशन की दुकानें, वहां तक पहुंचने के लिए आप देखोगे एफसीआई के बोरे होते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मुहर होती है। अर्थात एफसीआई क्या करेगी, खाद्यान्नों को खरीदेगी, उसको स्टोर करेगी और उसको परिवहन करके राज्य सरकारों तक पहुंचाती है, फिर राज्य सरकार उसका आवंटन करते हैं। तो इसीलिए लाभार्थियों को जो खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों की है और अन्य कार्य भी राज्य सरकारें करती हैं। तो ध्यान देना कि एफसीआई तो केवल खरीद रही है, भंडारण कर रही है, परिवहन कर रही है, लेकिन राज्य सरकारें उनको लाभार्थियों तक पहुंचाती हैं और ये खाद्यान्न आवंटन करती हैं, पात्र परिवारों की पहचान करते हैं, यानी राशन कार्ड बनाने में इसकी योगदान होता है राज्य सरकारों का कि किसको जरूरत है वाकई, वहीं राशन कार्ड जारी करते हैं और उचित मूल्यों की दुकान की कामकाज की देखरेख करते हैं कि कहीं पे कोटेदार किसी प्रकार का अनाज को लेके कोई भ्रष्टाचार ना कर रहा हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखा। अब भारत में खाद्य मुद्रा स्फीति का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, मुद्रा स्फीति अगर टॉपिक आता है यानी इन्फ्लेशन की बात अगर होती है तो इसको मैनेजमेंट करने का काम या इसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ओरिएंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के अनुसार 2023 में अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से किसानों को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की हानि हुई है। तो सरकार ने क्या किया कि अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, जब भारत में ही उस अनाज की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, भारत की ही जरूरत पूरी नहीं हो पा रही, तो भारत के जो किसान है वो क्या कर रहे थे, अनाजों को अधिक पैसा कमाने के लिए निर्यात कर दे रहे थे, दूसरे देशों में जो है कि भेज दे रहे थे, और ऐसे में उनको प्रॉफिट तो हो रहा था क्योंकि किसान को प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, लेकिन भारत में जो खाद्यान्न सामग्री है, जो खाद्य सुरक्षा है, वो प्रभावित हो रही थी, लोगों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में भारत सरकार ने अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया कि अभी अनाज को निर्यात नहीं किया जाएगा, जितना भी अनाज है पहले भारत के लोगों तक पहुंचाया जाएगा खाने के लिए, और ऐसे में किसानों को क्या हो गया, नुकसान हो गया लगभग 45,000 करोड़ रुपए की। तो खाद्य मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया और आपूर्ति बढ़ाने के लिए निर्यात को रोक दिया गया। अब मुद्रा स्फीति कब बढ़ेगी, जब डिमांड आपकी बहुत है, यानी खाने वाले तो हर व्यक्ति 140 करोड़ लोग हैं, उनको सभी को भोजन चाहिए, लेकिन सप्लाई कम है, और उस कम सप्लाई में भी किसान क्या कर रहे थे, कुछ अपने खाद्यान्नों को बेच रहे थे दूसरे देशों को। वो कोई गैरकानूनी है भाई, वो प्रॉफिट है, उनका बिजनेस है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो अपना खाद्यान्न बेच रहे थे, लेकिन भारत सरकार को लगा कि भाई जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें इस चीज को रोकना पड़ेगा, और इससे किसानों की आय में कमी भी आने लगी। बाजार दर से काफी कम कीमत पर जारी करने की वजह से किसानों को अतिरिक्त 548 रुपए प्रति क्विंटल के नुकसान भी संभावित रूप से हुए। अब भारत में मुद्रा स्फीति की माप कैसे की जाती है, अगर आप यह देखना चाहोगे तो एक होती है WPI, एक होता है आपका CPI। तो WPI जो होती है वो थोक कीमतों पर मुद्रा स्फीति की माप करती है, जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आपकी खुदरा कीमतों पर मुद्रा स्फीति गणना करती है। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई चीज होलसेल में खरीद के ला रहा हो और होलसेल में क्या होता है, हर चीज सस्ती मिलती है, लेकिन उसमें भी तो 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए करके उसकी कीमत बढ़ती जाती है, लेकिन अगर आप फुटकर में लेके आते हो, आज 1 किलो ले आए, कल 5 किलो ले आए, अगले दिन 2 किलो ले आए, तो इसमें आपको देखोगे ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है, यानी ज्यादा कीमत में वृद्धि देखने को मिलती है। तो CPI पे क्या होता है, खुदरा कीमत पे देखी जाती है, कैलकुलेशन की जाती है कितनी महंगाई बढ़ गई, और थोक पे WPI पे। लेकिन यहां पे एक अंतर भी आता है, WPI में केवल वस्तुओं को कैलकुलेट किया जाता है, इसके मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को ध्यान देते हैं, केवल वस्तु गुड्स, जबकि CPI में आप वस्तु और सेवाएं दोनों को ध्यान दिया जाता है। और UPSC यही छोटी छोटी चीजों को प्रश्न बनाती है कि मुद्रा स्फीति की गणना में WPI में केवल वस्तु को शामिल किया जाता है, जबकि CPI में वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे सही हो जाएंगे।
WPI में विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है, CPI में खाद्य पदार्थों को अधिक महत्व दिया जाता है। खाद्य पदार्थ CPI में, क्योंकि कंज्यूमर से ही तो हम इनपुट लेते हैं ना, और कंज्यूमर सबसे पहले खाना खाने की बात करता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार द्वारा WPI को जारी किया जाता है, और MOSPI जो मंत्रालय है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके तहत जो NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जारी करता है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय क्या करता है, WPI जारी करेगा, जबकि MOSPI CPI जारी करता है। CPI के अंतर्गत वो किन चीजों को मतलब घटक को शामिल करते हैं, तो सबसे अधिक जो वेटेज दिया जाता है खाद्य और पेय पदार्थों की महंगाई चेक होती है, 45.9%, इनको सबसे अधिक वेटेज दिया गया। सेकंड नंबर पे विविध मिसलेनियस में हर एक चीज आती है। थर्ड नंबर पे आप देखोगे आवास हो गया, कि रेंट कितना अधिक तेजी से बढ़ रहा है, जमीन की कीमत कितनी बढ़ रही है। फिर आप उसके बाद देखोगे तो ईंधन और बिजली में कितनी कीमत बढ़ रही है, वस्त्र और फुटवेयर में कितनी कीमत बढ़ रही है, पान तंबाकू मादक पदार्थों में 2.4% का रेशियो है। तो ये अलग अलग जो भारांश है और आप इनको जोड़ोगे तो ये टोटल आपके 100% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इसको कैलकुलेट किया जाता है। यहीं पर भारत में खाद्य मुद्रा स्फीति की जो गणना की जाएगी, इसमें बताया गया जो अगस्त 2023 में खुदरा मुद्रा स्फीति यानी कि CPI 6.83% थी और खाद्य मुद्रा स्फीति 9.2% थी, जो कि बहुत थी। देखोगे टमाटर, प्याज, अनाज जिसमें गेहूं, चावल, मसाले, दूध, डेयरी, इन सभी प्रोडक्ट में कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। और गेहूं की कीमत में क्यों वृद्धि हुई, पहली चीज घरेलू कारक आंशिक रूप से जिम्मेदार थे, जैसे हीट वेव से, बेमौसम बारिश। आपको पता है कि गेहूं की फसल जब पक जाती है और उस समय जब गेहूं की फसल को काटा जाता है मार्च अप्रैल में, और अगर उस समय किसी भी वजह से अगर बारिश हो गई तो कहीं ना कहीं वो गेहूं की फसल गीली होकर खराब हो जाती है और गेहूं के दाने जो है कि एकदम कमजोर हो जाते हैं, जिसके अंदर कोई भी गेहूं नहीं रह जाता, तो कहीं ना कहीं गेहूं का प्रोडक्शन कम हो जाता है। दूसरा, बाह्य कारक के रूप में रूस और यूक्रेन के संघर्ष की वजह से यूक्रेन के द्वारा पूरे वैश्विक स्तर पर गेहूं की सप्लाई नहीं की गई, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही बहुत बड़े गेहूं उत्पादक देश हैं, जो कि बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। स्पेशली यूक्रेन गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक देश है और ये वैश्विक स्तर पर गेहूं को निर्यात करता है, तो ऐसे में भी जो है कि गेहूं की कीमत में वृद्धि हो गई। खाद्य मुद्रा स्फीति के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं भारत में, पहली चीज कि कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं जिनकी वजह से खाद्य में मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो मानसून की अनियमितता, जब मानसून ही अच्छी तरीके से नहीं होगा तो जलवायु परिवर्तन भी बढ़ रहा और किसानों को ये पता ही नहीं है कि मानसून हमारा क्या और कब आएगा। वैश्विक कमोडिटी की कीमतें बढ़ जाना, जो कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी, ट्रकों के द्वारा जो सामान को ले जाया जाता है, लाया जाता है कहीं से, तो उसकी कीमत बढ़ेगी, तो फाइनली जो हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। सरकारी नीतियों के अंतर्गत आप MSP को देख सकते हो, अवसंरचनात्मक में देख सकते हो, भंडारण और वितरण प्रणालियां कैसी हैं, विनिमय दर में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, कीटों और रोगों का जो प्रकोप होता है जो फसल की पैदावार खराब कर देते हैं उससे भी कीमत में प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन मूल्य निगरानी के लिए जो 22 अनिवार्य वस्तुएं आप खाद्यान्न में देख सकते हो, दालों में, खाद्य तेल में, सब्जियों में, अन्य में देख सकते हो। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी आपकी कि खाद्य मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई पहले कौन सी है, तो ऑपरेशन ग्रीन यहाँ पे चलाया गया, जिसमें ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पे इसे शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत में टमाटर, प्याज, आलू, इनकी आपूर्ति को स्थिर करना ताकि आसानी से इनकी कीमतें रुकी रहे, कीमत ना बढ़े। मूल्य स्थिरीकरण कोष की बात करेंगे तो चुनिंदा उपजों की खरीद करके बफर स्टॉक का रखरखाव करके बाजार में उपजों को नियंत्रित कर सकते हैं। निर्यात को नियंत्रित करके, निर्यात पर अगर हम प्रतिबंध कर देंगे और MSP तय कर देंगे अच्छे से, तो कहीं ना कहीं किसान अपने ही घरेलू बाजार में, घरेलू अर्थव्यवस्था में सारी चीजों की उपलब्धता करेगा, सप्लाई बढ़ाएगा, और किसानों को प्रत्यक्ष सहायता दी जाएगी, जैसे सब्सिडी हो गया, आय सहायता MSP के जरिए, तो किसानों को भी प्रॉफिट होगा और किसान जो है कि दूसरे देश न बेच के भारत में ही घरेलू स्तर पर उसकी उपलब्धता करेगा, जिससे सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ने से डिमांड और सप्लाई के बीच में एक संतुलन बन पाएगा, जिसकी वजह से मुद्रा स्फीति नहीं बढ़ पाएगी। आपूर्ति पक्ष से संबंधित उपाय की बात करेंगे तो कृषि उत्पादकता में सुधार की जा सकती है, विविधीकरण बढ़ाया जा सकता है, यानी खाद्यान्न सामग्री के विभिन्न रूपों को भी अपनाया जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा एक्वा कल्चर सेक्टर, ये भी बहुत डेवलप हो रहा है, जलीय कृषि क्षेत्र। अभी हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने लोकसभा में तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 को भी पेश किया है, ये प्रस्तुत किया है केवल अभी। हालांकि तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण जो है अधिनियम 2005 में संशोधन करना है और अपराधों का गैर अपराधीकरण किया जाएगा, इसके तहत जो भी अपराध आते हैं उसे गैर अपराधीकरण
करने की बात की जा रही है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि इसका उद्देश्य है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा, तटीय जल कृषि प्राधिकरण की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित किया जाएगा। अगर आप जलीय कृषि या एक्वाकल्चर में अगर आप देखोगे क्या क्या आ सकता है, तो मछली पालन आ सकता है, समुद्री शैवाल आ सकती है, अन्य जलीय प्रजातियों की खेती को एक्वाकल्चर कहता है। एक्वा मतलब होता है वाटर, वाटर में आप मछली पालन करो, समुद्री शैवाल करो, जलीय प्रजातियों की खेती करोगे, तो इसी को एक्वाकल्चर कह दिया जाता है, ठीक है, इसको एक्वाकल्चर कहते हैं। इस अधिनियम की जो मुख्य प्रावधान है वो क्या क्या मुख्य प्रावधान है, तो आप यहाँ पे समझ लो कि तटीय जलीय कृषि जो कि संशोधित जो विधेयक आएगा, इसमें तटीय एक्वाकल्चर या जलीय कृषि को परिभाषित किया जाएगा, और इसमें नियंत्रित परिवेश में मत्स्य पालन करना, संग्रहण करना, इसको तटीय एक्वाकल्चर कहा जाता है, सिंपल, ठीक है। और साथ में अगर आप देखोगे इसमें ब्रूड स्टॉक हो गया, बीज हो गया, ग्रो आउट, ये सभी उत्पादन की गतिविधियां शामिल है, लेकिन इसमें ताजे जल की जलीय कृषि शामिल नहीं होती, ताजे जल की जलीय कृषि शामिल नहीं होती कोस्टल एक्वाकल्चर में, क्योंकि ताजे जल में इसमें शामिल होती। और अगर हम बात करें कि जब CAA अधिनियम के दायरे को बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो आपका जो अधिनियम है एक्वाकल्चर से रिलेटेड, इसमें जलीय कृषि फर्मों के साथ तटीय एक्वाकल्चर के सभी कार्य क्षेत्रों और गतिविधियों को कवर किया जाएगा, संबद्ध तटीय एक्वाकल्चर गतिविधियों का भी रेगुलेशन किया जाएगा। तो इसमें जो परिवर्तन किया जाएगा वो कुछ मुख्य रूप से परिवर्तन यह होंगे, जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि CAA में परिवर्तन, यानी कि CAA की संरचना बदली जाएगी और दायरे में भी इसमें कमी आ जाएगी, अर्थात जो समुद्री तट पर मछली पालन होती है उससे जुड़े किसी भी काम में लगे होते हैं तो इनको भी तटीय जलीय कृषि इकाई माना जाएगा। और साथ में इसको गैर अपराधीकरण बनाया जाएगा कि अगर यह विधेयक अधिनियम के उल्लंघन के लिए कारावास के प्रावधानों को समाप्त करना चाहता है और मौद्रिक या अन्य दंड के रूप में स्थापित करना चाहता है कि आप कोई पैसा पेमेंट कर दो और इससे जो है कि आपका एक तरीके से दंड हो जाएगा, लेकिन आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। और अधिनिर्णय और अपील विधेयक के अंतर्गत केंद्र सरकार कम से कम अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को जुर्माने के लिए अधिकृत कर सकती कि यही व्यक्ति जुर्माना लगा सकता है। अब यहाँ पे ये जो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में क्या क्या आंकड़े हैं, तो देखो अंतर्देशीय इनलैंड की बात करूंगा तो मछली उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, ठीक है, विश्व के अंतर्गत। जलीय कृषि की बात करेंगे तो मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पे आता है। कुल मिलाकर अगर मछली का उत्पादन करोगे, एक्वाकल्चर यानी कि समुद्री मछली उत्पादन और अंतर्देशीय मछली उत्पादन, इन सभी को मिला के आप देखोगे तो तीसरे स्थान पे आती है। और मछली और मत्स्य उत्पादों का निर्यात, यानी कि जो मछलियों का भी निर्यात और मछली से बनने वाले जो उत्पाद होते हैं, जैसे फिश ऑयल जो मछली के तेल होते हैं, कॉड तेल होते हैं, ये सब इनको अगर आप निर्यात कर रहे हो तो चौथे स्थान पर ये आते हैं। तो देखोगे इनलैंड जो है कि मछली उत्पादन में पहला स्थान है भारत का दुनिया में, और जलीय कृषि में मछली उत्पादन का दूसरा स्थान है, कुल मिला के तीसरा स्थान है, और निर्यात करने में चौथा स्थान यह भारत का आता है। तो ये तो थी आज की आपकी क्लास, और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स ही पूरी हो जाए, अगर कल नहीं होगी तो बस केवल दो क्लासेस और होंगी, इसके बाद मैं एनवायरमेंट के सेगमेंट को शुरू कर दूंगा और जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे PT 365। भले मैं थोड़ा सा लेट था लेकिन अब रेगुलर आपको क्लासेस मिल रही होंगी, आप देख रहे होंगे परसों भी क्लास आई थी, कल भी आई है, आज भी आएगी और कल भी आएगी। तो दो क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स को खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग एनवायरमेंट को शुरू करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो क्या करना है, फॉलो कर लेना है, और इसकी जो अंडरलाइन और इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली जो PDF है ये आपको परसों जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स का तो आपको टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।